पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा चॉकलेट प्रचलित है। एक तरह से चॉकलेट को पश्चिमी देशों का मिष्ठान कह सकते हैं। हमारे देश में भी जो मिठाइयाँ मिलती हैं उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन समय के साथ मिठाइयों के अलावा धीरे धीरे हमारे देश में भी चॉकलेट को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। चॉकलेट के ट्रेंड को देखते हुए रीवा में चॉकलेट की मिठाई बनाई जा रही है। बंगाल स्वीट्स में मिलने वाली इस मिठाई को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। रीवा में मिलने वाली एक खास चॉकलेट मिठाई चॉकलेट बर्फी के नाम से जानी जाती है। यह बर्फी खोया और चॉकलेट को मिलाकर तैयार किया जाता है। खोया के मिठाई में चॉकलेट का फ्लेवर मिल जाने के बाद बर्फी चॉकलेटी हो जाती है और बर्फी की मिठास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि चॉकलेट बर्फी को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। बंगाल स्वीट्स के मालिक पवन चौरसिया बताते हैं कि बघेलखंड में खोया की मिठाइयों का बहुत चलन है। इस बर्फी में चॉकलेट का फ्लेवर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। कढ़ाई में खोया और चॉकलेट को पहले खूब भुना जाता है। लोगों को चॉकलेट बेहद पसंद है, इसलिए पश्चिमी देशों का मिष्ठान चॉकलेट और देसी मिठाई बर्फी के मिश्रण से बनकर तैयार चॉकलेट बर्फी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कढ़ाई में खोया और चॉकलेट को पहले भुना जाता है। लोगों को चॉकलेट बेहद पसंद है और रीवा के बंगाल स्वीट्स में एक विशेष प्रकार का मिष्ठान मिलता है। पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार। अपने रीवा में बघेलखंड में अपने यहाँ अधिकतर खोए की बर्फियों का बहुत चलन रहा है। देसी मिठाइयों का बहुत चलन है, मावे की मिठाइयों का चलन है। क्या नए तरीके की चॉकलेट बर्फी है जो होती है उसमें खोया और आपका चॉकलेट डाल के भूज के बढ़िया कढ़ाई में अच्छे से भूज के बढ़िया इसको बनाई जाती है चॉकलेट बर्फी कम शक्कर में। और नहीं ये तो चॉकलेट बर्फी क्या पुरानी मिठाइयां है, लोगों में बचपन से लोग चॉकलेट खाता आ रहा है, जिसके लोग स्वाद में चॉकलेट पसंद है और अपने यहाँ बनती भी अच्छी है, प्रभु की कृपा है। चॉकलेट बर्फी ताजी बनती है और लोगों का खपत अच्छा है।